चुनावी बेला में उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी उतल पुथल मची है। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के बाद अब दारा सिंह चौहान भी समाजवादी हो गए हैं। आजमगढ़ से कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान और फिर समाजवादी पार्टी के सदस्य बने हैं। रविवार को लखनऊ में उनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई। सपा ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही थी तब हमने निर्णय लिया कि हम अखिलेश भैया के साथ गरीबों की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए नौजवान लाठी खा रहे हैं, पूरा प्रदेश भाजपा के शासन से परेशान रहा, हमने भी सरकार में रहने के दौरान 5 साल तक सुधार होने का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आरक्षण में छेड़छाड़ की साजिश हुई, आप भी सुनिए वो क्या बोले। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से किसान अपनी लहलाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में जाने की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके, कितनी पीड़ा होती होगी। इसे मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती ने आपने देखा कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। मैं तो कहना चाहता हूं पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मंत्री बनाने का काम करेगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी साथ आए हैं और भाजपा सरकार की जमानत जब्त कराएं। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश ने तंज कसा, कहा कि भाजपा ने पहले ही उनकी विदाई कर दी है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर अस्सी मरुण भाजपा में शामिल हुए हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 साल में अस्सी मरुण के साथ जो अधिकारी ड्यूटी पर रहे हैं उनके साथ जहां तहां ड्यूटी पर गए हैं उनको भी हटाया जाए, वहां चुनाव को प्रभावित करेंगे। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा, अगर कार्रवाई नहीं करता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। गुजरात समेत कई प्रदेशों से चुनाव प्रचार करने के लिए लोग यूपी आए हैं, हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको फिर से अपने प्रदेश में भेजना चाहिए, हम इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। जो मंत्री थे वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता है, न केवल अपने गांव के
बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर आर के वर्मा जो विधायक हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं।